प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश में जारी अंकुर अभियान के तहत इंदौर जिले में शनिवार को अनेक जगह पौधारोपण किया गया। रणजीत हनुमान मंदिर परिसर में भी शनिवार को अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। आपको बता दें कि अंकुर अभियान के तहत इंदौर जिला पूरे प्रदेश में अव्वल रहा है। पर्यावरण संरक्षण व हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन एक पौधे का रोपण करते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1 से 5 मार्च के बीच प्रदेश में अंकुर अभियान की शुरुआत की, जिसमें सरकारी कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को पौधारोपण कर उसकी जानकारी अपलोड करनी होगी। शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में अंकुर अभियान के तहत पौधारोपण किया गया, जिसमें आमजन के अलावा राष्ट्रीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल हैं। इसी के तहत रणजीत हनुमान मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया, जिसमें सांसद शंकर लालवानी, पूर्व महापौर मालिनी गौड़, संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, कलेक्टर मनीषा सिंह व निगम आयुक्त प्रतिभा पाल शामिल थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है और सेवा संकल्प के रूप में पूरे शहर में मनाया जा रहा है। बहुत सारे सेवा कार्य सभी से मैं देख रहा हूँ, समाज के हर वर्ग के जोड़, हर धर्म के लोग जुड़कर इसमें लगे हुए हैं और आज हमने यहाँ रणजीत हनुमान पे वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर प्रथम स्थान पर है, तो ये जो प्रेरणा माले मुख्यमंत्री जी से मिली है तो मैं चाहता हूँ इंदौर की जनता को धन्यवाद देते हुए कि और भी हम पौधे लगाएं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी मंशा है उस अनुरूप वृक्षारोपण करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का जन्म दिवस है, मैं उनके दीर्घायु होने की मंगल कामना करती हूँ। वे हमेशा इसी तरह पूरे मध्य प्रदेश पर शासन करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं देती हूं। और आज उनके जन्म दिवस पर पूरे मध्य प्रदेश में सभी लोग वृक्ष लगाने का कार्य कर रहे हैं। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष में यही एक तोहफा है कि सभी लोग एक पौधा लगाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं और मैंने भी संकल्प लिया था और वो संकल्प पूरा हुआ है। और आज पूरे मध्य प्रदेश में सभी लोग, सभी विधायक गण सभी पौधा लगाने का काम कर रहे हैं और अंकुर योजना के अंतर्गत भी पूरे शहर में पौधे लगाने का काम चल रहा है। अंकुर अभियान की जानकारी देते हुए कलेक्टर मनीषा सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत इंदौर जिला पूरे प्रदेश में अव्वल है। जैसा कि सभी को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन एक पौधारोपण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह भी देखने में आ रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज या एनवायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसका सॉल्यूशन भी यही है कि वृक्षों को बचाया जाए और नए वृक्षों को लगाया जाए, पौधारोपण किया जाए। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है एक वृक्ष प्रतिदिन का और अभी 1 मार्च से 5 मार्च तक के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अंकुर अभियान चलाया है, प्लांटेशन ड्राइव चलाई है, जिसमें कि लोग स्वप्रेरणा से खुद ही उस ऐप में रजिस्टर हो रहे हैं और प्लांटेशन कर रहे हैं। जैसे ये इवेंट हुआ है, इस तरह के आयोजन हो रहे हैं पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, और उसमें वृक्षारोपण किया जा रहा है और फिर वही लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के उस वृक्ष की फ़ोटो अपने साथ अपलोड भी कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है तो उनके लिए भी आज सांसद जी भी यहाँ पधारे थे मंदिर प्रांगण में, मालिनी गौड़ मैडम भी, क्षेत्रीय विधायक भी आई थी और पारेख जी हमारे जो पूर्व पार्षद हैं वो भी आए थे, अन्य लोग भी सब गणमान्य नागरिक थे, सभी ने वृक्षारोपण किया माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है प्रतिदिन वाला अंकुर अभियान के तहत, और अभी वही कार्यक्रम का समापन हुआ है। पौधारोपण के बाद वायुदूत ऐप पर पौधे की प्रतिदिन जानकारी अपलोड करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।